Hello everyone. Today's lecture based on examples on beta definitions. Last lecture में अपने बहुत सारे examples कर लिए हैं और आज मैं कुछ और examples लूँगा. तो आपको जो formula और facts हैं beta जिन्हें हम introduce कर चुके हैं उन सबको यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर कुछ questions मैं आपके साथ लूँगा जो जहाँ पर कभी कभी तो ऐसा लगता है सोल्व करना ही पॉसिबल नहीं है. ऐसा फील होता है कि इसका तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, लेकिन विद हेल्प ऑफ बीटा गामा फंक्शंस बहुत सारे इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स किए जा सकते. तो उस सीक्वेंस के अंदर मैं यहाँ पर एक वन ले रहा हूँ, समझें. क्वेश्चन नंबर वन, शो दैट जीरो टू वन एक्स जीरो टू वन dx upon root of minus log x is root pi. This is the अब पहला मायने में जो अपना क्वेश्चन आता है वो ये है कि पहली बात तो रूट में नेगेटिव होता ही नहीं है. पहला क्वेश्चन तो यही है. अब रूट वाली वैल्यू को कैसे सोल्व करें, माइनस का क्या करें? तो पहले तो इस माइनस को हटाना ही पड़ेगा. तो जो भी नए कंसेप्ट्स होंगे, पुराना जो बेसिक्स होगा उसको मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा, आप समझते जाएं और करते जाएं. सबसे पहले आपको पता है कि लॉग ऑफ ए बाय बी को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी बाय ए इन नेगेटिव. जब भी आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर हमेशा क्या आता है, माइनस आता है. अभी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय वन है तो या एक्स अपॉन वन को एक्स सिंपल लिख सकते हैं. तो आप यहां पर इस प्रॉपर्टी को लगाने की कोशिश करेंगे. बहुत आसानी से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, लेट दिस इंटीग्रेशन गिवन आई जीरो टू वन वन अपॉन इसको वन लिखिए, dx को अपन राइट में लिखेंगे थोड़ा सा साइड में, वन अपॉन रूट ऑफ माइनस लॉग ऑफ x इंटू dx. नेगेटिव टर्म को राइट में मैंने जो थ्योरी लिखी है उसके अकॉर्डिंग वन अपॉन रूट लॉग जो x है उसको मैं लिखूंगा वन अपॉन x, जिससे कि यहां से माइनस हटाया जा सके है. यानी कि x को 1 अपॉन x लिखा है, जैसे यहाँ x अपॉन 1 माने तो 1 अपॉन x, यहाँ पर a अपॉन b को माइनस का b अपॉन लिखा जा सकता है. तो इस कंडीशन में इसको अपन इस तरह चेंज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन के अंदर इस जगह पर कुछ भी नहीं है तो हम मानते हैं कि इसका बेस e है, यहाँ पर e आ रहा है. अगर कुछ भी नहीं तो e बेस अपन मान के चलते हैं. इसको हम कुछ सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है. तो सपोज करते हैं लेट जो आपका अंडर रूट में जो भी टर्म है उसको हम टी मान लेते हैं. कंप्लीटली अंडर रूट की टर्म पूरी कंप्लीटली आप मान लीजिए, मतलब रूट को छोड़कर लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स, लेकिन इसका बेस ई है, ठीक है. यहां पर लॉग्स के रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं. लॉग के रूल आप देखेंगे किस तरह से लगाना है. जब ये जो लॉग है इसका बेस e है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू शुड नो e रेस टू पावर t 1 अपॉन x, ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हैं. जब ये लॉग को हटाएंगे तो ये e की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, ठीक है. ये कंडीशन है, यानी कि ये भी रूल्स हैं. लॉग को हटाने एंड पावर में आएगा और यहाँ पर e है तो यहाँ e आएगा, यहाँ a है तो यहाँ पर a आएगा, राइट. इसको आप क्या कर सकते हैं, x को ऊपर और e रेस्ट पावर t को नीचे, इंटरचेंज इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए. मतलब तो आप इसको लिख सकते हैं x e रेस्ट पावर इज इक्वल टू e रेस्ट पावर माइनस का t, ठीक है. e रेस्ट पावर माइनस t डिफरेंशियल करते हैं x का होगा dx, इसका हो जाएगा e रेस्ट टू पावर माइनस टी माइनस वन इंटू डी टी. आप e का डिफरेंशियल कर रहे हैं
एक्स का डीएक्स होगा, ई रेस्ट ऊपर माइनस टी, टी का नेगेटिव टर्म आगे आएगा, डी टी हो जाएगा। लेकिन पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर इस पूरे को यहाँ पर अप्लाई करना है। बट बात यह है कि लोअर और जो अपर और लोअर लिमिट है उसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अपर और लोअर लिमिट के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले लोअर लिमिट को हम लेते हैं, हाँ जी। अभी जो लिमिट आपके पास है ऊपर वो है एक्स की वैल्यू, लिमिट है एक्स की जीरो है। तो लोअर लिमिट के अंदर वैल्यू जीरो आपको रखनी है, कहाँ रखनी है, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर मैंने ग्रीन से इसको किया है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर टी वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, सब जानते हैं कि जब आप x की जगह जीरो पुट करेंगे तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि ई रेस्ट पावर ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ पर t की वैल्यू होगी इन्फिनिटी। जब x की जगह जीरो पुट करेंगे तो t की वैल्यू को लगानी है। और भी तरीके हैं लिमिट निकालने के, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किया जाए, अपन दोनों तरफ लॉग लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बात वही है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, जीरो रखने पर इन्फिनिटी और इसको ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, दोनों को बैलेंस करें टी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं अपर लिमिट की। अपर लिमिट के अंदर आप देखें कि यहाँ पर x की जगह जीरो की जगह आपका जो लिमिट अपर लिमिट जो दी गई है वो है वन है, तो आप यहाँ पर x की जगह वन पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू वन, यहाँ हो जाएगा e रेस्ट टू पावर t वन वन, यानी वन रह जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं e रेस्ट टू पावर जीरो, क्योंकि वन e रेस्ट टू पावर जीरो का दोनों का बेस सेम हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि e रेस्ट टू पावर t को e रेस्ट टू पावर जीरो के अगर इक्वल लिखते हैं तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, तो यहाँ पर आपके जीरो हो जाएगी। ये देखिए ये टी और ये दोनों सेम होंगे क्योंकि बेस सेम हो रहा है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आपके इन्फिनिटी है और अपर लिमिट आपके जीरो है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर मैं ऑलरेडी, अब आप इस इक्वेशन वन के अंदर ये सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ इस तरफ लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन होल्ड करें प्लीज। अब यहां पर जीरो टू वन डीएक्स आ गया, अब इसको चेंज कीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम वन आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन को चला के लिखा है जिससे आपको पता रहे। आप क्या करेंगे जहां पर आपके जीरो है, यहां मतलब अपर लिमिट को तो आपने जीरो बनाया है, ठीक है, और लोअर लिमिट को आपने इन्फिनिटी बनाया है, जीरो नीचे वाले को इन्फिनिटी बनाया है, और डीएक्स की जगह, हाँ जी डीएक्स की जगह आप क्या रखेंगे, डीएक्स की जगह आप रखेंगे माइनस, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, माइनस का टी डी टी, ये डीएक्स की जगह आ जाएगा, माइनस भी साथ में है, माइनस ई रेस टू पावर माइनस जी टी, और इसके अंदर की जो टर्म है इसको आपने क्या माना है, टी माना है, ठीक है, इसको आपने टी माना है। तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ रख दी है, ठीक है, कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आपके नीचे वाले पोर्शन को टी माना और यहाँ पर डीएक्स की जगह आपने ये रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कंटिन्यू कीजिए, बाहर की तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू जीरो, टी की वैल्यू है ये, नीचे टी की पावर हाफ लिखा जा सकता है, ई रेस टू पावर टी, और यहाँ हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है।
अब ये रूल है कि जब भी लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और e रेस टू पावर माइनस t एज इट इज है, और t की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपके पास माइनस वन बाय टू इंटू डी टी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो टर्म है इसको आगे लिखिए और उसको माइनस में अपन लिख सकते हैं, और इस लिमिट को आपने इंटरचेंज किया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन को कैसे किया जाए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसको इसके बेसिक के बारे में पता है, जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप जो माइनस वन बाई टू है उसको आप लिख सकते हैं, कंडीशंस को अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं वन बाई टू माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो गामा एन की जो वैल्यू होती है वो होगी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ये अपने पास में कंडीशन है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में, गामा फंक्शन की डेफिनेशन में आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर n आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ n आ रहा है कि x के वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो ये वही तो चीज़ है। मतलब मैं अगर इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो ये मुझे माइनस का हाफ ही मिलता है, इसमें से इसको माइनस करने पर माइनस हाफ यहाँ पर गिवन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना। तो इस जगह पर हाफ है, इस जगह पर n है, तो यहाँ पर अगर n है तो यह गामा n आएगा, यहाँ हाफ है तो यहाँ पर हाफ आएगा, यहाँ t है तो यहाँ पर t आएगा। मतलब ये कंडीशन सेम यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये इक्वेशन टू दे देता हूँ, फ्रॉम टू वी कैन राइट गामा ऑफ हाफ, गामा हाफ हो गया, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, गामा हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को समझें, इसको कंपेयर कीजिए, x की जगह यहाँ t यूज किया है, t t dt, x x dx, यहाँ पर लिमिट भी सेम है, लिमिट सेम है, वेरिएबल अलग अलग है, तो माइनस करोगे तो माइनस का हाफ ही आएगा, यहाँ n की जगह यहाँ पर हाफ दिया हुआ है, इसलिए इस पूरे का आंसर होगा गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है रूट पाई होती है, ठीक है। इस तरह से इसका राइट हैंड साइड प्रूफ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टू, ये भी काफी आसान है, देखें, शो दैट जीरो टू इन्फिनिटी, एक्स की जो लिमिट है वो जीरो टू इन्फिनिटी हम यूज करेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस वाई रेस टू पावर फोर डी वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू रूट टू, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट इन्फिनिटी है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ रहा है, तो कैसे इस क्वेश्चन करेंगे, देखिए, सोचें आप भी, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं जिससे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। इंटीग्रेशन, हम जो क्वेश्चन है उसमें नीचे वाई टू पावर फोर है, उस वाई टू पावर फोर को वाई स्क्वायर स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर टू होल स्क्वायर, ये इस तरह से लिख सकते हैं, टू टू जब फोर होता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है, ठीक है, तो प्लस से है तो यहाँ पर आप टेन थीटा या कोट थीटा को अज्यूम करते हैं, और अगर ये होता वन माइनस की फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, तो वहां पर साइन थीटा कोस थीटा लिखा जाता है। ये कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन की, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट, सबसे पहले जो इंटरनली जो वैल्यू है y स्क्वायर उसको हम tan थीटा मान लेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल कर लें एक बार, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, dy tan का होगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बट प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर dy है जबकि यहाँ 2y dy है, तो यानी कि dy को आपको सिंगल रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय 2 y,
y की वैल्यू को आपको यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पर आपने लेट किया है, इस जगह पर। तो यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ टेन थीटा, क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर है। तो dy की जो वैल्यू होगी वो लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय टू रूट टेन थीटा, ठीक है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं dy sec स्क्वायर थीटा टू y यहाँ पर tan थीटा, यानी कि पूरे क्वेश्चन को मैंने थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको अपर और लोअर लिमिट पे भी काम करना पड़ेगा। मैं सेपरेटली इन लिमिट्स को समझाता हूँ जिससे कि आप बेटर फील करें, ठीक है ना। अब बात हम अपर लिमिट की कर लेते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट को ले लेते हैं। अबाउट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले x की जगह जीरो गिवन है, x इज इक्वल टू जीरो। कहाँ रखेंगे आप इसको, रखने के लिए आपको पहले यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके अंदर आपको ये लिमिट्स रखकर निकालना है, क्योंकि थीटा में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, आपको इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। सॉरी एक्स तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ वाई है। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक वाई इज इक्वल टू जीरो। वाई की जब जीरो पुट करते हैं तो टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा जीरो, और टेन में जीरो जीरो होता है। इसी तरह से हम अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट के अंदर आप क्या करेंगे, y इज इक्वल इन्फिनिटी यूज करेंगे, क्योंकि अपर लिमिट में क्वेश्चन में इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो जैसे आप इन्फिनिटी रख, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन में इन्फिनिटी वैल्यू होती है पाई बाई टू, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस जगह पर इसकी वैल्यू पाई बाई टू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब जीरो रखा तो जीरो आया, और इन्फिनिटी रखा तो पाई बाई टू आया। ये कंडीशन यहाँ पर रखनी है, इस पूरी कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर वन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, इंटीग्रेशन लिमिट थीटा की चेंज होगी, थीटा की लिमिट जीरो टू पाई बाई टू होगा लिमिट। और ये जो y स्क्वायर है इसकी जगह आप टेन रखेंगे, लेकिन भार भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपका वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dy की जगह आप रखेंगे sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय टू रूट टेन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने रख दिए। अब इसको आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ऊपर ऑलरेडी sec स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, नीचे टू रूट ऑफ टेन थीटा लिख सकते हैं, एंड डी थीटा। sec स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल वर्क कर रहा हूँ, लिमिट्स को चेंज कर रहा हूँ। ये बेसिक है जो कि आपका 12th क्लास से रिलेटेड है। लिमिट बहुत आसान हो गई है जीरो से पाई बाई टू, तो कंडीशंस डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, बहुत आसान है। थीटा इज इक्वल टू बाई टू को आप बाहर कीजिए, थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, और आपको पता है कि टेन थीटा को जब ऊपर लेंगे तो ये कोट बन जाएगा, कोट थीटा डी थीटा, ओके। वन बाई टू, हाँ जी, वन बाई टू थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, वी कैन राइट कोस थीटा अपॉन टेन थीटा, लेकिन अंडररूट दोनों में दिया हुआ है। अंडररूट का मतलब होता है हाफ, सॉरी कोस अपॉन साइन। अब इसको गलत दिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ साइन आएगा, साइन थीटा, दोनों का मतलब रूट है, और रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होगा। तो हम इसको रूट ना लगा के इसको हम हाफ और हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है।
क्योंकि रूट कोस बाई साइन को आप हाफ की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा, और इनटू डी थीटा लिख सकते हैं। तो ओवरऑल 1 बाई टू थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, ओके, कोस ऑफ हाफ विल बी एज इट इज, लेकिन जो साइन है जैसे की तरफ लेते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहां पर आने के बाद में हमारे माइंड को क्लिक करना चाहिए कि हमने ट्रिग्नोमेट्री और गामा फंक्शन को मिलाकर एक रिजल्ट अपन ने बनाया था, उसको प्रूफ भी किया है, ठीक है ना। वो रिजल्ट क्या है आपको रिमाइंड कर रहा हूं, आप लोग सोचें साथ के साथ, अगर इस चीज को सोचेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में करने में भी आपको आसानी होगी। क्या था वहां पर, याद होगा आपको, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू कोस टू पावर एन थीटा साइन टू पावर एम थीटा इंटू डी थीटा हो तो हम लिख सकते हैं गामा एन एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई टू गामा एम प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाय टू। ये देखिए दोनों को प्लस करके टू का डिवाइड करेंगे, दोनों को फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो एन की जगह तो यहाँ पर हाफ है और एम की जगह माइनस हाफ है। अब इस चीज को बिल्कुल समझ लें तो यहाँ पर आपको एन और एम की जगह इन वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। कंडीशन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना है, दैट्स इट। वन बाई टू गामा 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, एन की जगह आपने क्या रखा है, मैं आगे रिपीट कर देता हूँ, आप एन की जगह तो रख रहे हैं हाफ और एम की जगह रख रहे हैं आप माइनस हाफ, ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो माइनस हाफ प्लस 1 बाई टू डिवाइडेड बाय, यानी अपॉन कितना लिखेंगे, 2 गामा एम की जगह लिखोगे माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस 2 बाय 2, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा 2 और 2 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 1 बाई 4, अच्छा ऊपर होगा गामा 1 बाई 2 और 1 3 बाई 2 बाय 2, यह हो जाएगा आपका 1 बाय 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा 2 बाय 2, और ये जो 2 है, इस 2 की बात कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मिलकर आपका 3 बाई 2 होगा, ये आपका हाफ हो जाएगा, और गामा 2 बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, और गामा 1 वैसे भी 1 ही होता है, तो हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं 1 बाई 2, ये हो जाएगा गामा 3 बाई 4 और यहाँ हो जाएगा गामा 1 बाई 4, और आपको पता होना चाहिए गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 नीचे आएगा 3 बाई 4, ये 1 बाई 4। अब यहां तक पहुंचने के बाद क्वेश्चन में कोई भी ऐसी कंडीशन मैंने आपको नहीं सिखाई है अब तक के एग्जांपल्स में, मतलब जितने भी एग्जांपल्स किए हैं कि बाय 4 को कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है ना। तो इसकी लेकिन अपन ने एक रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल कर चुके हैं जहां पर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई 4, ठीक है, ध्यान से देखना, गामा 1 बाई 4 को तो मैंने एज इट इज रहने दिया, और जो 3 बाई 4 है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 4। आप इस चीज को समझें, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, अगर ये 1 बाई 4 एज इट इज है, 1 बाई 4 एज इट इज है, 3 बाई 4 को लिख सकते हैं 1 बाई 4, अच्छा 1 में से इसको माइनस किया है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि किसको 1 में से माइनस करें, अगर इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को 1 माइनस लिखा है, एलसीएम लेने के बाद में ये आपका सेम ये वाली टर्म बनेगी, मतलब बिल्कुल यही टर्म बनेगी आपकी, ठीक है। तो अब याद करते हैं एक रिजल्ट जो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला था एक तरीके, मतलब मैंने एग्जांपल की फॉर्म में किया था, लेकिन मैंने कहा था कि फॉर्मूले की फॉर्म में इसको यूज किया जाएगा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस एन। तो इसका फॉर्मूला था पाई बाय साइन एन पाई, ये देखिए
ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है एन यहाँ पर वन बाई फोर है, वन माइनस एन यहाँ वन बाई फोर है, पाई साइन यानी कि आपको एन जहां जहां है वहां पर आपको वन नंबर फॉर यूज करना है। आप थ्री बाई फोर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, मैं तो वन बाई फोर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे वन बाई फोर यहाँ लिखे पाई डिवाइडेड बाय साइन एन, एन की वैल्यू है वन बाई फोर यानी कि ये पूरा का पूरा बन जाएगा पाई बाई फोर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं पाई बाय फोर, ठीक है। तो ये होगा वन बाई फोर पाई, इसको हम लिख सकते हैं वन बाय रूट टू, और ये जो फोर है इस फोर को आप लिख सकते हैं टू इंटू टू, ये एक ही लाइन के ऊपर है। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो ये बनता है पाई बाय टू रूट टू। तो कुल मिला के आपने जो प्रूफ किया है जीरो टू इन्फिनिटी जो आपका क्वेश्चन था वन अपॉन वन प्लस वाई रेस टू पावर फोर डी वाई इज इक्वल टू पाई बाय टू रूट टू, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आसान है लेकिन ओवरऑल बात एक ही है, मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको पीछे वाले बेसिक्स पता हैं, ठीक है, पीछे वाले अगर बेसिक पता हैं तो इन क्वेश्चंस को करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आप समझें, ठीक है। देखिए इसी में एक प्रॉपर पॉपुलर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर थ्री, शो दैट लिमिट थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, यह हो जाएगा टेन ऑफ एन एक्स, टेन ऑफ पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू सेक एन पाई बाई टू, सेक एन पाई बाई टू, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूफ करना है अपन को। अच्छा यहाँ पर पावर एन है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, उसी वे में इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको आई मान लीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, टेन पावर एन है एक्स ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, टेन को आप लिख सकते हैं साइन बाई कोस, साइन पावर एन होगा कॉस पावर एन होगा डी एक्स, इसको लिख सकते हैं नेगेटिव टर्म को ऊपर ले जाएं थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, कॉस ऑफ माइनस एन साइन, यहां पर साइन की जो पावर है क्योंकि क्यों आया है क्योंकि यहां पर ये ऊपर नीचे की तरफ है, साइन एज इट इज रहेगा, एक मिनट होल्ड करें प्लीज, साइन पावर एन एक्स डी एक्स। अब ये वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको करवाया था, जरा इस कंडीशन को यहां देख लेते, ये वाला फॉर्मूला सेम अप्लाई कर रहा हूं मैं जो यहां पर मैंने लिख रखा है पहले से, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद रहे, ठीक है। देखिए हमें ध्यान है कि अगर थीटा की लिमिट जीरो टू पाई बाई टू हो, कोस टू पावर एन थीटा, कोस टू पावर कोस नहीं साइन आएगा, साइन और कोस का कॉम्बिनेशन होता है, साइन टू पावर एम थीटा पावर एम थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं गामा एम एन प्लस वन बाई टू, एम प्लस वन बाई टू, एम प्लस वन बाई टू है टू, गामा एम प्लस एन प्लस टू बाय टू। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जहां पर एन है वहां तो आप रखिए माइनस एन, और जहां एम है वहां रखिए एन, ठीक है। ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन के अंदर
आप देखें कि ये n है उसकी जगह माइनस m है, m की जगह m है, लिमिट सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है. After applying this formula, you get minus n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, 2 gamma minus n plus 1 plus 2 by 2. ये formula apply किया है मैंने, minus n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, 2. ये दोनों cancel हो जाएंगे आपके, ये दोनों portion आप cancel कर दीजिए, ठीक है? तो ये कंडीशन बनेगी आपकी. पहले आप n प्लस वन बाई टू को लिख दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं गामा n प्लस वन बाई टू, और ये जो टर्म आ रही है सेकंड वाले टर्म को मैं इधर लिखूंगा माइनस n प्लस वन बाई टू, और डिवाइड में ओनली टू बचेगा गामा वन. ये टर्म मैंने फर्स्ट लिखी है, इसको मैंने सेकंड कर दिया है, टू एज इट इज है, गामा टू बाई टू क्या होता है, वन होता है. तो ये फाइनल कंडीशन आपके पास में बचेगी, ठीक है? आई होप यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे देखिए, देखो थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह ही लेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम मतलब ये क्वेश्चन समझ में आए. यहीं पर भी इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन आपको यहां से उठाना है एज इट इज. ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो एक फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया था कि गामा ऑफ एन गामा वन माइनस एन क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है? ये जो कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है, मैं बात कर रहा हूं इस कंडीशन की. इस कंडीशन में इसको चेंज कर देता हूं, यही की मैं चेंज करूंगा जिससे आपको समझ में आए. ये जो वैल्यू है इसको मैं लिखूंगा वन माइनस एन प्लस वन बाय टू. अगर इसको एलसीएम लेके सोल्व किया जाए, यानी कि ये टर्म माइनस में आ रही है, ये वाली टर्म, तो अगर इसको इसमें से माइनस करके सोल्व किया जाए तो हमारे पास यही टर्म आएगी, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है. तो ये जो है इसको एन मान लो, ये पूरा एन हो गया, ये भी एन हो गया, तो और बाकी नीचे तो ये वन होता है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है. ये फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है जस्ट, इसको हम आराम से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर? एक बार मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए. अगेन आई एम रिपीटिंग दीज फॉर्मूलाज. तो कुल मिला के आप इसे लिखेंगे वन बाई टू एज इट इज है पाई साइन एन, एन की जगह लिखा हुआ है एन प्लस वन बाय टू इंटू पाई. आप इस चीज को समझें मैंने क्या किया है. यहां पर एन प्लस वन बाय टू इस एन की जगह यूज किया है क्योंकि ये बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, तो यहां पर आप एन प्लस वन बाय टू यूज करेंगे. 1 by 2 pi sine multiply कीजिए n by 2 plus 1 by 2 pi. जो pi है एक बार इससे multiply कीजिए, pi को यहां multiply कीजिए जिससे कि pi यहां से हट जाएगा, ठीक है? तो आप इसे लिख सकते हैं वन बाई टू, ठीक है, या लिख सकते हैं आप वन बाई टू और पाई
आप साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू को आगे लिखिए, साइन पाई बाई टू ने 90 और यहाँ हो जाएगा आपका एन पाई बाई टू। और आप जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इस जगह पर आप देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है वो ये है, यानी पाई बाई टू प्लस, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपके, कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई साइन 90 माइनस कोस एन पाई बाई टू, ठीक है। और फाइनली 1/2 कोस, अच्छा पाई तो ऊपर चल रहा है, इसको यहाँ पर ऊपर ले सेक बन जाएगा, ये पाई बाई टू तो एज इट इज है, इसको कुछ नहीं करना। पाई बाय टू कोस जैसे ही ऊपर जाएगा तो सेक एन पाई बाई टू आपको मिलेगा। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कंडीशन आप देखिए, कंडीशन जो अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कैसे इस कंडीशन को लगाया है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर इसको एक बॉक्सिंग में डाल देता हूँ कि क्या हमने प्रूफ किया है। हेंस फाइनल रिजल्ट क्या था आपका, 0 to π/2 tan of nx dx is equal to pi by 2 sec n pi by 2। तो हम इस तरह से इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना।